नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंडित मुकेश भास्कर शास्त्री आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देव उठौन जो एकादशी हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में क्योंकि भगवान नारायण उस दिन जागते हैं, उठते हैं शयन से, इसलिए इस एकादशी का नाम देवउठौन एकादशी पर। और कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होते हैं उनको रंभा एकादशी कहते हैं। सबसे पहले एकादशी व्रत कैसे करें? एकादशी व्रत के कई नियम हैं। सबसे पहले तो आपका शरीर यदि अलाव करे तो निराहार रहे, न अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करें, और नहीं तो दिन में फल वगैरह का सेवन करें, और फल में भी ठोस फल है उसका सेवन कर सकते हैं जिससे आपके शरीर की रक्षा हो सके। जैसे मान लीजिए कद्दू का हलवा बना लीजिए, सेब का हलवा बना लीजिए, पपीते का हलवा बना लीजिए, सिंघारे आटे का हलवा बना लीजिए, ये सारे खा करके भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी में विशेष ध्यान देने की जो चीज है वह है एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही द्वादशी में होता है, तो जब भी पालन करें तो द्वादशी युक्त होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है 11-12 बजे दिन से एकादशी शुरू हो रहा है, हम लोग व्रत कर लेते हैं क्योंकि उदया तिथि में होता है, और व्रत कर लिए और कल होके 10 बजे दिन में ही द्वादशी खत्म हो जाते हैं। तो आप अगर 12 बजे अगर आप भोजन करते हैं तो त्रयोदश लग जाता है, और त्रयोदश में यदि भोजन करते हैं तो फिर पूर्ण फल प्राप्त आपको नहीं होता। उस स्थिति में ये विशेष ध्यान रखें जो आपको द्वादशी में ही पालन करना हो। अगर मान लीजिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो सका या किसी कारणवश आप बाहर हैं, उस स्थिति में आप तुलसी का पत्ता खाकर ही व्रत को तोड़ सकते हैं। एक चीज और ध्यान देने का योग है, एकादशी व्रत जब भी आप लोग करते हैं उसका उद्यापन परम आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है जैसे कि एक मास में 2 एकादशी होता है, 12 मास में 24 एकादशी होते हैं, सारे एकादशी में पालन करने का अलग अलग जो है वस्तु दिया गया है। किसी में तिल से पारण करना है, किसी में जौ से पारण करना है, किसी में गाय के दूध से पारण करना है, किसी में गाय के पेशाब से पारण करना है, किसी में गाय के गोबर से पारण करना है, किसी में कुंभर के फूल से पारण करना है। ये अनेकों प्रकार का जो है जिस दिन एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं तो वो वस्तु को खा करके ही वो पारण करते हैं, और द्वादशी में जो है। तो इस प्रकार आप ये चीज का विशेष ख्याल रखें, और कभी भी द्वादशी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही द्वादशी में ही करें, और द्वादशी में करने के उपरांत आप द्वादशी में व्रत का पारण कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करें, तो आप उससे पहले ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं जो अमोक शक्ति देने वाला है। आप ब्राह्मण भोजन यदि ब्राह्मण देवता नहीं मिलते हैं, आचार्य महोदय नहीं मिलते हैं, या संभव नहीं हो सका भोजन करवाने के लिए, आप उनके निमित्त से सीधा निकाल दीजिए, चावल वगैरह निकाल दीजिए, अथवा द्रव्य निकाल सकते हैं, अथवा वस्त्र का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, गौ दान तक लोग करते हैं, स्वर्णादि दान करते हैं, भूमि दान तक करते हैं इस प्रकार जो है। और एकादशी का जो व्रत होता है उसमें विशेष जो ध्यान देने की चीज है वह वही द्वादशी का उल्लंघन न हो। एकादशी व्रत का पालन करें और इससे बड़े बड़े ग्रह जनित जो दोष होते हैं वो सारे दोष का निपटारा होता है। ये महापुण्यदायी है, पुण्य फल प्राप्त करने वाला है। एकादशी का व्रत जो लोग नहीं करते हैं उनको एक विशेष ध्यान ये देना है, एकादशी के दिन चावल ना खाएं। एकादशी के दिन यदि चावल खाते हैं तो दोष जनित कहा गया है, और यदि खाना ही पड़े तो उस स्थिति में उसमें हल्दी उल्दी डाल दीजिए, जीरा उरा डाल दीजिए, नाना प्रकार के सब्जी उब्जी डाल दीजिए, तब उसका सेवन करें। ऐसे चावल का खीर बना के खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ चावल का सेवन ना करें, यह दोषकारक माना गया है। तो एकादशी का व्रत जब आप लोग करते हैं तो ये सब छोटे छोटे चीज पर, मैं छोटे छोटे बातों पर विशेष ध्यान दे करके देने से ही ये व्रत सफल होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।